के एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जी एच क्यू से मैंने कहा है कि है लेकिन सोर्स जो है वो बड़ी सॉलिड है कि दो लेफ्टिनेंट जनरल जिसके अंदर आमिर रजा लाहौर वाला और ग्यारह कोर कमांडर हसन रियातवर वाला इसके खिलाफ सात मई जनरल और अठारह ब्रिगेडियर है बत्तीस लेफ्टिनेंट कर्नल है इनके नाम अभी तक नहीं है इनको जी एच क्यू में ए जी ब्रांच के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है आ जाएंगे नौ मई के मामला में भी अगर ये सजा देते हैं तो उसका इनका जो अभी सोच पाई जाती है जो मुझे समझ आया मेरी अंडरस्टैंडिंग है

एक्सटेंशन का प्लान बना रहा है क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से यही होता है जो भी पाकिस्तान का आर्मी जी अपनी मर्जी की सरकार बनाना चाहता है उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन ले, ले सके ले सके चाहे वो बाजवा हो या फिर अब आसिम मुनीर हो यही कारण है कि पाकिस्तान आज पूरी तरीक़ा से बर्बादी के दहाने पर पहुंच गया है पाकिस्तानी लगातार फूट फूट कर रो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोकतंत्र को बिल्कुल ही पाकिस्तान की फौज ने खत्म कर दिया किसी को भी पाकिस्तान में इस वक्त आवाज उठाने तक का हक नहीं है डैश 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 कहा था कि ये मत करो इमरान खान के साथ ये तुम्हें संभाला नहीं जाएगा तुमसे और फिर भी किया

जो आगे जाके खुलेंगे और इनको ढकेंगे तो बाकी भी कहेंगे कि यार ये इन्होंने थी है। इनको तो पहले अगर ये तो इनको तो कोई है आ नहीं और अपना चल रहा है पैसों की तक अच्छा, पैस, पैसों पे बिल्कुल आते मैं ये बताता चलूं एक सोशल मीडिया पे ना हसन नजर हयात के खिलाफ एक मुहिम चली कि इनका ताल्लुक है की बातें करी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये एकदम कैसे आई अब मुझे वो समझ वो आ रहा तो मैं है मैं जिन्होंने चलाई है वो भी हमारे हमसे करीब ही हैं भाई बंदे हैं हमारे उनको हम कहते हैं कि नहीं यू डू नॉट नो ये पुलेटेक्स ये इन्होंने इसलिए चलाई है मुझे वही मैं कह रहा हूँ ना जान बुझ के तो तो फीड की गई है, है हा, हा, तो की गई और उन्होंने आगे आगे चला दी तो ये तो बड़ा तरीका ये तो मास्टर जाल है दोनों के दोनों आसिम मनीर और नदीमा जो तो एक तो ये मैं बात आ, आ, कहता चलूँ और दूसरी बात मैं कहता चलूँ आदिल कि लोग जो फौज को समझते हैं ना वो कहते हैं जी ये किसी ने मुझे कहा जी ये अपने दो बटालियन है लेके जे एच क्यू पे हला क्यों नहीं बोलता या लाहौर वाला मैंने कहा देखो वो अगर हो गया फिर तो खाना जंगी है सिविल वॉर है फौजी जर्नैल जो है मैक्सिमम वो क्या करेगा जो हसन हयात ने किया और आमिर रजा ने किया कि जी मैं दादली नहीं करवाऊंगा दूसरा मैक्सिमम इससे ज्यादा क्या है रिज़ाइन कर दें जिस तरह एडमिरल लेसन ने किया या याकूब ने किया रिज़ाइन करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए सौ मिलियन डॉलर की सामियाँ हैं कोर कमांडर डीएचए वो छोड़ना हर का काम नहीं है हम यहाँ तो कहते हैं कि छोड़ दो मैं गारंटी देता हूँ निन्यानवे ना उनके सौ मिलियन डॉलर आगे लगे हो और उनसे कहें तुम इस्तीफा दो तो मैं, देखता हूं कितने देते। anyway, मैं और आप तो दे आदिल। मैं तो कम -कम दे मुझे पता है, आप भी दे, दे। लेकिन ऐसे तर... लोग कम है तो अच्छा सर ये पैसों का क्या मसला है सर इधर तो आए ना सर ये मैं यहाँ पे मैंने सामने खोला है आप कहते देखते हो तो... <laughs> <laughs> नहीं नहीं मैं आपको खुली देख देख मैं हिसाब किताब देख रहा हूं सर ये मैं हिसाब किताब आपको दे, 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 देना चाहता था सर देखिए महमूद खान अचक जई ने बयान दिया कि 70 अरब रुपए का बलूचिस्तान का इलेक्शन बेचा आई एस आई के ऑफिसर ने मुझे बताया और अंदर बात हो रही है कि बगैर रेहान क्या ने सेक्टर कमांडर बलुचिस्तान ने और पैसा पाटा गुलजार ने ओसी क्वेटर ने और उसके अलावा अले यासन का कहते हैं ब्रगेड अलयासन का नाम भी वो लेते हैं के जी मुबैन तौर तो के ऊपर ने पंजाब में और ब्रगेडे फहीम रजा ने इस्लामा में इन्होंने इतना माल खाया है कि ये आपकी कोई अनत ही नहीं है कराची का तो भी हिसाब किताब नहीं है लेकिन डी जी सी और स्पेकुलेशन उन्होंने की कि सत्तर अरब अगर बनता है सिर्फ बुलुस्तान का और आप इनकी जंपे चेक करें सात अरब बाजवे ने दिया था इल्जाम लगाया जाता है उसके ऊपर के बाप पार्टी की हुकूमत लाने का अभी सत्तर में चली गई है पूरी की पूरी गवर्नमेंट थी ना सर इस हिसाब से कोई आप जहन में रखें कि बिलियन का, का गेम है आदिल है आदिल ना ढाई सौ बिलियन का गेम सिंध डेढ़ सौ रब का सिंध में कदका है पीर साहब कहते हैं कि जी दो महीने पहले इलेक्शन बिक चुका था अर्बन में आपने जो है सिंध में सीटें पीटीआई का मैंडेट चोरी करके एमपीओ को खड़ा किया ठीक है उसके बाद आपने सब जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी को दे दी सीटें पंजाब में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं लंडन प्लान में दे आया हूं जो मैंने देना था मैंने बहुत दे दी है अब मुझे देने की जरूरत नहीं है तो फिर पंजाब में मुंह से जाली नोटिफिकेशन करने के लिए मांगे गए हैं पैसे यहाँ पे खड़े कर दें जिनके जाली नोटिफिकेशन हुए उनको फोन आए हैं तहरीके की कौमी असेंबली की नब्बे सीटें छीनी गई हैं सुबाई असेंबली की एक सौ चालीस सीटें छीनी गई हैं कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान को सजाएं मुत्तल अगली एक्सटेंशन हो जाए ताँगे ताँगे ये बात जहन में रखें कि अगली एक्सटेंशन जो चाहिए उसको तकरीबन एक साल और आठ या नौ माह रह गए हैं और इतना ही अरसा इमरान खान का जेल में रहना जरूरी है अगली एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर इमरान खान का जेल में रहना इतना जरूरी नहीं रह जाएगा इमरान खान एक्सटेंशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है या आपने समझना है को और एक जबरदस्ती का बयान भी आई थिंक दिलवाया गया है किसी से जिसमें कहा गया है कि बड़े साहब को नौकरी मिलने से भी इमरान खान रोक रहे थे बयानिया पहले दिन से चल रहा है तो ये जो दिमाग में एक खन्नास भरा हुआ है कि मेरी एक्सटेंशन नहीं होने देगा इमरान खान उसकी वजह से ये इमरान खान को जेल में रखना चाहेंगे और एक के बाद एक केस में सजा देने की कोशिश करेंगे जबकि इमरान खान का नौ मई से कम अज़ कम रियासत पे हमला करना या किसी एहतार से कोई ताल्लुक नहीं है वो तो जेल में थे और कोई एक भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान ने कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो किसी को कहा हो कि तुमने ये कोई हमला करना है या कोई भी किसी को इंस्ट्रक्शन दी हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है अब ज़ाहिर है कि तरीके इंसाब की लीडरशिप भी बाहर आना शुरू हो गई है मियाँ आसम इकबाल साहब भी अपनी रादारी जमानत करवा के अब बाहर आ चुके हैं बाकी सारी लीडरशिप भी बाहर आती जा रही है तो तरीक इंसाफ अब जोर पकड़ती चली जाएगी और ग्राउंड पे क्योंकि वोटर तरीके इंसाफ के साथ हैं ये इलेक्शन में धानली की जो कैंपेन जब शुरू होगी तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अप्रैल में आईएमएफ एम आखिरी किस्त दे देगा अब जो नई हुकूमत बनेगी उसको ये किस्त आसानी मिल जाएगी लेकिन उसके बाद हमें आई के एक बहुत ही खतरनाक किस्म के प्रोग्राम में जाना है उस प्रोग्राम में जो भी हुकूमत लेकर जाएगी अगर वो पॉपुलर नहीं होगी तो आवाम से जूते खाएगी तो एक तरफ आपने धांधली की मैंडेट पे डाका डाला कब्जा किया अदालतों को अपने कंट्रोल में लिया और वहीं पे आप जब इस तरह का का प्रोग्राम करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट और इसीलिए इसके लिए स्ट्राइक कर दिया है बादशाह सलामत ने पाकिस्तान वो बनाना रिपब्लिक है जहां पर मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाता बल्कि जराइम को जो अवाम के सामने लाते हैं उनको पकड़ा जाता है तो जे बना दी गई है कि जो लोग भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं धांधली करने पर जो उन आर ओस पे डी आर ओस पे कमिश्नर पे तनकीद कर रहे हैं कि आपने फॉर्म फोर्टी फाइव के जाली नतीजे बनाए उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी एक जे आई टी बन गई है उसमें आई बी के लोग हैं एफ आई ए के लोग हैं आई एस आई के लोग हैं नादरा के लोग हैं उसमें तमाम इधारों के लोग डाल दिए गए हैं और ये जे आई टी अपनी रिपोर्ट जल्द देगी वजारते दाखिला को और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी यानी

यही करता है पाकिस्तान में जिस तरह से एक्सटेंशन के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम होनेर ने पूरा ही पाकिस्तान इस वक्त दाव पर लगा दिया उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खौफ का माहौल है क्योंकि पाकिस्तान की जनता में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आक्रोश पाया जा रहा है पाकिस्तानी फौज के ख़िलाफ़ जनता उबल पड़ी है क्योंकि सबको लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने उनका वोट को चोरी किया है उन्होंने वोट इमरान खान को दिया था लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो कि पाकिस्तान की जनता को बिल्कुल भी कबूल नहीं है यही कारण है कि बड़ी तादाद में लोग इस वक्त सड़कों पर प्रोटेस्ट कर लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इमरान खान के अलावा वो किसी को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते आपके क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें जय हिंद वो मात्र